हेलो एवरीवन, मैं आई हूँ मम्मी के यूट्यूब चैनल में किरण्स किचन में और आज मैं बनाने वाली हूँ व्हिप क्रीम, एक इजी सी रेसिपी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम व्हिप क्रीम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने एक बाउल में व्हिप क्रीम रख ली है जो कि एकदम ठंडी है। मैंने एक कटोरे में पीसी हुई चीनी रख ली है, मैंने पीस ली है इसे। मैंने एक कढ़ाई में बर्फ़ रख लिया है जो मैं ये व्हिप क्रीम वाला कटोरा को इसमें रख दूंगी जिससे ये ठंडा रहेगा। और ये मैं बीटर है जिसकी सहायता से हम बीट करेंगे। उस ये वनीला एसेंस है जो हम 5 से 6 बूंद डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने बर्फ़ वाली कढ़ाई में इस कटोरे को रख दिया जिससे ये ठंडी रहेगी। उसके बाद मैंने पीसी हुई चीनी डाली जो है 2 छोटी चम्मच, मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार है। अब मैं इसमें वनीला एसेंस डालूंगी 6 बूंद, ये आपको जितना डालना डाल सकते हैं। तो उसके बाद मैं बीट करूंगी इसे 7 से 8 मिनट तक। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी अच्छी तरीके से बीट हो रही है। ये बीट हो चुकी है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। अब देख सकते हैं जिससे मैंने बीट किया है उसमें से क्रीम नहीं गिर रही है। इसका मतलब ये है कि ये अच्छी तरीके से बीट हो गई है। अगर गिर जाती है तो इसका मतलब आपका बीट नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से टिप उठ चुकी है। ये देखिए, अगर टिप उठ गई है तो अच्छी, आप ठंडी जगह पर ही इसे बनाइएगा। और ये टिप अगर उठ गई है, अगर गिर जाती है तो इसका मतलब आपका व्हिप क्रीम नहीं बना है। दैट्स ऑल दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड